यूपी की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर के अंदर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति से च्युइंग गम लेने से इनकार कर दिया था। यूपी तक से बात करते हुए इंदिरा नगर निवासी 30 वर्षीय सिम्मी ने बताया कि 2004 में उसकी शादी सईद राशिद के साथ हुई थी। शादी के तुरंत बाद पति और ससुराल वाले उसे और उसके परिवार को दहेज के लिए परेशान करने लगे। इस बात से परेशान होकर सिम्मी ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। सिम्मी के मुताबिक सोमवार को उसका पति इसी दहेज उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट में आया था। उस वक्त सिम्मी अपने वकील से बात कर रही थी, इसी दौरान सईद उसके पास आया और उसे एक च्युइंगम देने लगा, लेकिन सिम्मी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। हमारी दीवानी में पेशी थी कोर्ट में, तो हम गए थे भाई के साथ अपने। भाई हमारा काम से थोड़ा अलग गया, तो हमारे हस्बैंड ने हमें अकेले देख के हमसे बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज और सब करने लगे। कहा केस वापस कर लो, नियम तुम्हें जो है बर्बाद कर दें, कोर्ट दौड़ते दौड़ते बर्बाद हो जाओगी। उसकी गुस्से में आके उन्होंने तलाक तलाक कहा। उसके बाद हमारी पेशी का टाइम हुआ, हम कोर्ट रूम में चले गए। वहाँ पे वो आके चिंगम खा लो, ये कर लो, कर लो, मना करने पे मेरे बहुत उन्होंने बदतमीजी करी, जिसपे हमने शोर मचाया था वहाँ पे। फिर भाई को बाद में चले गए। फिर भाई आया, भाई को हमने बाद में बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया है। भाई हमें वजीरगंज थाने पे लेके गया, तब पे वहाँ पे हमने अपनी FIR करवाई है। ये बात सईद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने गुस्से में आकर सिम्मी के साथ गाली गलौज की, फिर उसे 3 बार तलाक बोल दिया। ट्रिपल तलाक देने के तुरंत बाद वो अदालत परिसर से बाहर चला गया। इसके बाद पीड़ित सिम्मी ने वजीरगंज पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसमें देखिए, कल थाना वजीरगंज पे एक केस रिपोर्ट हुआ है, जिसमें एक महिला है ट्रांसगोमती क्षेत्र की, और उसका उसके पति से कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें केस में कल कोर्ट में कल डेट लगी थी, जहां पे दोनों पक्ष आए हुए थे। वहां पे किसी बात को लेकर के दोनों में वाद विवाद हुआ, और उस महिला के द्वारा उसके संबंध में तहरीर लिख करके थाना वजीरगंज पे दी गई, जिसमें उसका FIR थाना वजीरगंज पे पंजीकृत किया गया है, और इसकी जांच हम कर रहे हैं। जो भी लोग संबंधित हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और जो भी चीजें इसमें निकल गए उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।